साथियों, रेवाड़ी से ही मैंने देश के हर सैनिक परिवार से और यहां कई ऐसे हमारे फौजियों के परिवारजन बैठे होंगे, मंच पर भी बैठे हैं, और इसी रेवाड़ी से 15 सितंबर 2013 को मैंने कहा था, और मैंने कहा था कि वन रैंक वन पेंशन की बात इसी धरती से मैंने पहली बार कहा था, और हमारी पिछली सरकार में 2014 में आपने मुझे काम करने का मौका दिया और मैंने वो वादा भी पूरा किया, वन रैंक वन पेंशन लागू किया। 40-40 साल से जिसकी मांग हो रही थी उसको पूरा करने के लिए भी देशवासियों ने मुझे ही जिम्मा दिया भाइयों, और इससे सिर्फ हरियाणा के, मैं पूरा देश की बात तो बाद में बताऊंगा, पूरे हरियाणा से ही लगभग 2 लाख पूर्व सैनिक परिवारों को करीब करीब 900 करोड़ रुपयों का एरियर मिला है। यही नहीं, मौजूदा जो सैनिक हैं उनकी सैलरी और पेंशन पर भी इसका बहुत ही पॉजिटिव असर हुआ है। भाइयों और बहनों, आजादी के दशकों बाद भी देश के लिए मर मिटने वाले अपने शहीदों के लिए राष्ट्रीय स्मारक नहीं था। हमारे देश के वीर जवान इस मिट्टी के लिए, तिरंगे झंडे के लिए जान की बाजी लगा देते थे। माताएं अपने वीर पुत्रों को देश के लिए दे देती थी। आजादी के बाद देश के लिए मर मिटने वालों को हम इतना सा कर्ज नहीं चुका पाए थे। यह एहसान नहीं था, सेना के वीर जवानों पर का हिंदुस्तान के हर देशवासी पर कर्ज था, वो कर्ज चुकाना था, ये कर्ज भी हम नहीं चुका पाए थे। नेशनल वॉर मेमोरियल दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा कि जो अपने वीरों को सम्मान करने में इतनी कोताही बरतता हो। 70 साल बिता दिए दोस्तों, मैंने रेवाड़ी की धरती में ही शपथ लिया था और आज नेशनल वॉर मेमोरियल खड़ा है, आन बान शांत के साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, ये हमारे पुलिस के जवान, बहुत लोगों को पता नहीं है, हम जब पुलिस के जवानों की बात करते हैं तो कभी कभी समझ के बिना रास्ते में ही अपन उनके साथ टकरा जाते हैं। वो कहेंगे जरा स्कूटर धीरा करो तो हमारा पारा ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन हमें याद नहीं है ये हमारे पुलिस के जवान देश आजाद होने के बाद सामान्य नागरिकों की सेवा करते करते 33,000 पुलिस के जवान शहीद हुए। 33,000, ये आंकड़ा छोटा नहीं है भाइयों। इन पुलिस की सेवाओं के सामने सर झुक जाए, इतना बड़ा बलिदान इस पुलिस परिवारों ने दिया है। लेकिन उनका भी स्मारक नहीं बनाया गया, ये काम भी मोदी को ही करना पड़ा, और आज दिल्ली में पुलिस का नेशनल मेमोरियल आज शान से देश के पुलिस बेड़े की इज्जत का गवाह बन गया है। भाइयों, ये स्मारक जो वॉर मेमोरियल बना है, ये स्मारक रेजांगला में शहीद हुए अहिरवाल के 125 से ज्यादा सपूतों को भी श्रद्धांजलि दे रहा है।
भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्ष में देश की रक्षा, सुरक्षा, एकता, अखंडता, सैनिकों के मान सम्मान के लिए जो प्रयास हुए, उनको आगे बढ़ाने का काम जारी है, जारी रहेगा। भाइयों बहनों, सरकार बनते ही पहला फैसला, मैं ये 2019 की बात बता रहा हूं, 3 महीने पहले की, सरकार बनते ही पहला फैसला शहीदों के परिवारों के लिए लिया गया। इसके तहत शहीदों के बच्चों की स्कॉलरशिप को भी बढ़ाया गया और इसमें पुलिस को भी जोड़ा गया, पैरामिलिट्री के शहीदों को भी शामिल किया गया। 70 साल तक वो पहले नहीं किया गया था। ये काम भी मोदी की नई सरकार ने कर दिया।